दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज की क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत हम क्लास 11 की जो सेकंड बुक है जिसका नाम भारत भौतिक पर्यावरण है उससे संबंधित 100+ MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो आज की क्लास होने वाली है वो कतई शानदार होने वाली है। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है 100 के 100 मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक से बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो टॉपिक पे ही है, यानी टॉपिक से संबंधित है, लेकिन कुछ वो किताब जो किताब से बाहर भी है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी रहने वाली है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो आप इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्लास दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं आज की शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत। और दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी वर्ल्ड स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कितना धाकड़ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व के देशों में आपसी समझ के लिए किसी भी देश का मानक या म्योत्तर को कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। दोस्तों जैसे अगर हम बात करें मानक या म्योत्तर की, तो दोस्तों हमारा भारत का कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारा क्या है भारत का मानक या म्योत्तर है। इसी प्रकार दोस्तों विश्व के जो देश हैं उनमें आपसी समझ के लिए जो ये या मानक या म्योत्तर है उसको निश्चित गुणांक पे चुना जाता है, निश्चित देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, वो गुणांक कितना है। ऑप्शन आपके सामने है 8 डिग्री 40 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट या फिर 30 डिग्री। तो दोस्तों विश्व के देशों में आपसी समझ के लिए जो ये मानक अयमोत्र को कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, तो 7 डिग्री 30 मिनट बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक में पहले ही पेज पर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 12 मील दूरी तक है, 24 मील दूरी तक है, या फिर 200 मील या फिर 111 मील। तो दोस्तों भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से 12 मील दूर है, या फिर हम कह सकते हैं 12 समुद्री मील, ठीक है दोस्तों। तो भारत की ये प्रादेशिक जल सीमा है। इसके बाद में दोस्तों यानी जल सीमा कितनी है 12 मील, इसके बाद में आता है जल संलग्न रेखा वो होती है 24 मील दूर, और इसके बाद में आती है आर्थिक अनन्य रेखा वो होती है 200 मील, ठीक है दोस्तों। तीनों ही रेखा याद रखिएगा, यानी ये जो भारत की सीमा समुद्री तट से दूरी पर स्थित होती है, यानी पहली जो 12 मील पे होती है उसका नाम है प्रादेशिक जल सीमा, जो 24 मील पे होती है उसको कहते हैं उसको बोलते हैं जल संलग्न रेखा, और जो 200 मील पे होती है उसको बोलते हैं आर्थिक अनन्य रेखा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तीसरा कि एक मानक मील में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं। 1.824 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 1.6 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक मानक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं, और एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 1.584 किलोमीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में पहले पेज पे लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये एक मानक मील की बात हो गई, इसके बाद में दोस्तों बात करें हम एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो दोस्तों एक समुद्री मील में 1.824 किलोमीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन एक जो दिख रहा है आपको, ये एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं उसको दर्शाता है, जबकि एक मानक मील को कौन दर्शाता है, लगभग 1.6 किलोमीटर, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो 1.584 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा। ये दोस्तों अगर आपने भारत का मैप देखा है तभी आप बता सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा, यानी दोस्तों ये चारों स्थानों में से जो सबसे अधिक पूर्व में होगा वहीं पे क्या है पहले सूर्य उदय होगा, भोपाल, शिलांग, इम्फाल या पटना। तो दोस्तों यहाँ पे भोपाल और पटना तो कट ही जाते हैं, क्योंकि शिलांग और इम्फाल है वो दोस्तों पूर्वी जो राज्य है उनकी राजधानी है, यानी इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है, जबकि शिलांग है वो मेघालय की। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं मेघालय है वो जस्ट बांग्लादेश के ऊपर है, इसका मतलब, और इसके अलावा जो बांग्लादेश के पूर्व में कौन है वो है मणिपुर, यानी त्रिपुरा और मणिपुर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी कौन सी है इम्फाल, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय इम्फाल में ही होगा, ठीक है दोस्तों, यानी ये सबसे पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पांचवा,
पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों कौन सा कर्क रेखा का उत्तर में पूछा गया है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड। तो दोस्तों हमें पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के, उसमें मिजोरम का नाम आता है, त्रिपुरा का नाम आता है, झारखंड का नाम आता है, लेकिन दोस्तों मणिपुर है उसका नाम नहीं आता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों में मिजोरम का नाम भी आता है, त्रिपुरा का नाम भी आता है, झारखंड का नाम भी आता है, यानी हमारा ऑटोमेटिकली डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि जो आपका इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, यानी इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? धनुषकोड़ी की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, या फिर मालदीप की, या फिर लक्षद्वीप की? यानी आपको बताना है सीधा सीधा कि इंदिरा पॉइंट इन चारों में से कहां पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सातवां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, या फिर छोटा अंडमान में? ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक दोस्तों याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि एक समुद्री मील में कितने इंच होते हैं? एक समुद्री मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच। ये तो दोस्तों हमारा जो एक मानक मील होता है, एक मानक मील होता है उसमें होता है, यानी आपसे पूछा जाए कि एक मानक मील में कितने इंच होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63,360 इंच। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एक समुद्री मील में कितने इंच होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 72,960 इंच होते हैं। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आठवें क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, यानी सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा नगर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ। तो दोस्तों याद रखिएगा इन चारों में से जो लखनऊ है वो क्या है, सबसे पूर्व में स्थित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी बुक में से उठाया गया है, और दोस्तों आप जाके यानी इस क्लास के बाद आप बुक में देखिएगा भारत का मैप दूसरे या तीसरे पेज पे बड़ा बनाया गया है, उसमें दोस्तों मैंने उठाया, मैंने जब मैप को देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी पूर्व में कौन सा नगर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सबसे पूर्व में कौन स्थित है? लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दसवां, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है, यानी कौन सा भ्रंश है? यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भ्रंश, या फिर मालदा भ्रंश, या फिर ए व बी दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जो पठार, जो मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है वो है मालदा भ्रंश। मालदा भ्रंश है वो दोस्तों जो मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये मेघालय व कर्बी एंगलोंग का पठार, और इसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं मालदा भ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्यारहवां, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थान उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित नहीं है? अमरनाथ गुफा, बद्रीनाथ, चरार ए शरीफ, वैष्णो देवी। तो दोस्तों याद रखिएगा जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय है उसमें अमरनाथ गुफा भी स्थित है, चरार ए शरीफ भी स्थित है, और वैष्णो देवी स्थित है, यानी ये जो तीनों ही धार्मिक स्थल हैं ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, लेकिन बद्रीनाथ स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है, यानी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण नहीं है? नल्लामाला, कराकोरम, जवादी, वेलीगोंडा। तो दोस्तों जो कराकोरम है ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें नल्ला माला की, या फिर जवादी की, या फिर वेलीकोंडा की, या फिर अरावली की, ये सभी क्या हैं, ये सभी अवशिष्ट पर्वत श्रेणियां हैं, जबकि कराकोरम है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए तेरहवां, कि निम्न में से खारे पानी की झीलें हैं, यानी आपको खारे पानी की झीलें बतानी है,
बुल्लर या पेंगोंगसो झील है, या फिर डल या बुल्लर झील है, या फिर सोमुरीरी या फिर डल झील है, या फिर पेंगोंगसो या फिर सोमुरीरी झील, यानी आपको जोड़े दिए गए हैं दो दो झीलों के, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ पे दोस्तों बुल्लर की बात करें ये मीठे पानी की झील है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। डल की बात करें ये भी दोनों ही मीठे पानी की झील है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पे डल आ रहा है, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी पेंगोंगसो व सोमुरीरी झील है, दोनों ही क्या है लवणीय झील के उदाहरण है, यानी खारे पानी की झीलें हैं। ये दोनों ही झीलें कहाँ पे हैं? लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन 13वें का राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 14वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बेरन आइलैंड नामक देश का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी स्थित है, यानी ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, या फिर निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, या फिर मिनिकॉय द्वीप पर है, या फिर लक्षद्वीप पर है, यानी जो बेरन आइलैंड है जो कि एक जीवंत या फिर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? कार्डमम, अनाईमलाई, नीलगिरी या फिर नल्ला माला। तो दोस्तों याद रखिएगा जो डोडा बेटा चोटी है वो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, और ये इसकी जो डोडा बेटा चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर ऊंची है। ठीक दोस्तों, यानी ये ऊंचाई है इसकी 2637 मीटर। ठीक दोस्तों याद रखिएगा ये जो डोडा बेटा चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि चार जनजातियाँ आपको दी गई है, इनमें से कौन सी जनजाति है वो अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती? अबोर, मोनपा, मिसमी, तीनों ही जाति दोस्तों अरुणाचल हिमालय में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों जो लेपचा है ये दोस्तों जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती। तो फिर लेपचा किस हिमालय में पाई जाती है? तो दोस्तों लेपचा है वो सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है, डी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केरल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली का आयोजन किस कयाल में होता है? कयाल में होता है, वेबनाड कयाल में, अष्टमुंडी कयाल में, पुनामदा कयाल में, या फिर पेरियार कयाल में। कयाल का मतलब दोस्तों झील होता है। ठीक है दोस्तों, झील होता है। तो आपको बताना है कि जो केरल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली होती है उसका आयोजन किस झील या कयाल में होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो नेहरू ट्रॉफी है केरल की नौकायन से संबंधित है ये किस कयाल में होती है? पुना मदा कयाल में होती है, डी नंबर सॉरी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 18वां कि करेवा क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जाफरान, जाफरान को दोस्तों केसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बादाम, सेब या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों करेवा क्षेत्र क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पे पहले झीलीय क्षेत्र था लेकिन धीरे धीरे हिमानी जो नदियों के अपरदन से यहाँ पे क्या है हिमानी द्वारा क्या जो झील क्षेत्र थे उनमें निक्षेप का जमाव कर दिया और यहाँ पे एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण हो गया जिसे करेवा बोलते हैं, और इस करेवा में कौन सी फसल है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं जाफरान, बादाम, सेब, ये सारे ही क्या हैं करेवा क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं, प्रसिद्ध फसलें हैं, डी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जाफरान भी मुख्य रूप से याद रखिएगा, करेवा क्षेत्र में जाफरान वैसे मुख्य रूप से आती है, और जाफरान दोस्तों केसर का ही दूसरा नाम है, यानी केसर को ही जाफरान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि फोटुला दरा किस श्रेणी में स्थित है? फोटुला दरा, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी होगा, याद रखिएगा, यानी इसका राइट आंसर है 18वें का उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है कि फोटुला दरा किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में, लद्दाख में, जास्कर में, कराकोरम में। तो दोस्तों याद रखिएगा जो फोटुला दरा है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट डियोबोली, माउंट थुइलर, माउंट सैंडल, माउंट क्योब। तो दोस्तों याद रखिएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सी? सैंडल पीक। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट थुइलर है, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा
निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुइलर और इसकी जो ऊंचाई है वो 642 मीटर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बनिहाल दर्रा किस जिस पर्वत श्रेणी में स्थित है वह है, बृहद हिमालय में, पीर पंजाल श्रेणी में, या फिर जास्कर श्रेणी में, या फिर लद्दाख श्रेणी में। यहाँ पे आपको बताना है कि बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो बनिहाल दर्रा है वो आपका किस श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में और जास्कर श्रेणी में। अभी हमने बात की थी कौन सा दर्रा है, फोटुला दर्रा है। कौन सा? फोटुला दर्रा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि सतलंज व काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, यानी दोस्तों हम पढ़ते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, उसको चार भागों में बांटा गया है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सतलंज व काली नदियों के बीच जो हिमालय है वो कौन सा आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सतलंज और काली नदियों के बीच हिमालय आता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो दोस्तों पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट यानी दोनों कौन सी पर्वत श्रेणियों के आपस में मिलते हैं, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन सी पर्वत श्रेणियों में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं दोनों आपकी कौन सी श्रेणी में मिलते हैं, तो आपकी नीलगिरी श्रेणी में मिलते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो सम्मिलन स्थल है वो आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी टफ है इसलिए आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको अगर ये क्लास देख लेते हैं तो दोस्तों इस क्लास से 10 से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्के देखने को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 24वां कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है, दक्षिणी भाग में। तो दोस्तों दक्षिणी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं वो कार्डमम की पहाड़ियाँ, और कार्डमम पहाड़ियाँ हैं उनको इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इलायची की फसल अधिक होती है कार्डमम पहाड़ियों में, इस कारण इन्हें इलायची या कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां, यहाँ पे रिंची व लबरीत द्वीप समूह किस जल क्षेत्र में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रिंची व लबरीत द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी जल क्षेत्र में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 26 दिसंबर 2004 को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर कौन सी एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया, भूकंप ने, बाढ़ ने, सुनामी ने, ज्वालामुखी ने। तो दोस्तों याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को अंडमान में निकोबार द्वीप समय पर एक प्राकृतिक आपदा आई थी, उसका नाम था सुनामी। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि मोलेसिस बेसिन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, आपको बताना है कि मोलेसिस बेसिन है किस राज्य को जाना जाता है मोलेसिस बेसिन के नाम से, मणिपुर को, मिजोरम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को। तो दोस्तों याद रखिएगा मोलेसिस बेसिन के नाम से मिजोरम राज्य को जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्न में से असत्य कथन है, यानी असत्य कथन पूछा गया है। तो दोस्तों पहला कथन देखिएगा, केरल की पांबा नदी बेवनाथ झील में गिरती है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी जो केरल की एक नदी है पांबा नदी, ये बेवनाथ झील में गिरती है। दूसरा कथन दोस्तों देखिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कथन देखिएगा दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी महानदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महानदी नहीं है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, और ये हमें गलत कथन की या फिर हमें असत्य कथन की पहचान करनी थी। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, और डी नंबर ऑप्शन भी दोस्तों देख लेते हैं कि पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पेरियार है वो केरल की दूसरी बड़ी नदी है, याद रखिएगा, और केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो भारतपुंजा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लांगचेन कबाब व सिंगी कबाब के नाम से क्रमशः किन नदियों को जाना जाता है। तो दोस्तों लांगचेन कबाब है वो तो दोस्तों किसको कहते हैं, सतलंज को, और जो सिंगी कबाब है या शेरमुख है वो किस नदी को कहते हैं, सिंधु को। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सतलंज को लांगचेन ख्वाब के नाम से जाना जाता है, और सिंधु
नदी को सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रायद्वीप के निकट या फिर सागर द्वीप के निकट या फिर मांझुली द्वीप के निकट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मांझुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है दोस्तों मांझुली द्वीप। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस द्वीप के निकट। तो दोस्तों याद रखिएगा सागर द्वीप के निकट है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सागर द्वीप के निकट है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि मानस जो नदी है किसकी सहायक नदी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानस नदी गोदावरी की है, धनसरी है की सहायक नदी है, या फिर सुबनशिर की नदी है सहायक नदी है, या फिर ब्रह्मपुत्र की। तो दोस्तों मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें धनश्री की या सुबनश्री की या फिर केमाग की, ये सारी नदियां क्या है दोस्तों, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा मानस धनश्री सुबनश्री ये तीनों ही क्या है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पे मानस पूछा गया है तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मानस किस नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्वारी नदी किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है। महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, गोवा की, उत्तराखंड की। तो दोस्तों याद रखिएगा जो ज्वारी नदी है वो गोवा की क्या है प्रमुख नदी है या महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा दोस्तों एक गोवा की नदी और आती है जिसका नाम है मांडवी। मांडवी और ज्वारी दोनों ही नदियाँ किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, गोवा की। याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है 33वां कि निम्न में से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी बहती है, भरतपुंजा, सवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वेतरणी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरतपुंजा। भरतपुंजा पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली नदी है, जबकि दोस्तों सवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वेतरणी तीनों ही क्या है पूर्वी दिशा की ओर बहने वाली तीनों ही नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों यानी भरतपुंजा है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि जो तीनों नदियाँ हैं सवर्णरेखा, ब्राह्मणी, वेतरणी ये पूर्वी दिशा की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था पश्चिमी दिशा, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा भरतपुंजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की। तो दोस्तों इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा ये सारी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि कावेरी नदी भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पे आपको कावेरी नदी का भाव क्षेत्र बताना है कि किन किन राज्यों से ये बहती है। केरल तमिलनाडु, कर्नाटका तमिलनाडु, केरल कर्नाटका, या फिर आंध्र प्रदेश व कर्नाटका। तो दोस्तों याद रखिएगा कावेरी नदी है वो कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। ठीक है दोस्तों ये कर्नाटका के कोगांडू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, और ये कर्नाटका से बहती हुई तमिलनाडु में बहती है और फिर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल है वो हिमालय से परे है, यानी हिमालय से नहीं होता है। तो दोस्तों रावी रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास ये भी रोहतांग दर्रे के पास व्यासकुंड से निकलती है, सतलंज ये दोस्तों ये मानसरोवर झील से निकलती है, और ये तिब्बत हिमालय से तिब्बत से निकलती है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों और यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ये भी हिमालय में पड़ता है, लेकिन दोस्तों सतलंज है वो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट है वो राक्षस ताल से निकलती है आई थिंक। ठीक है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। सोन नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, चंबल नदी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों जो कोसी नदी है वो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, जनापाव पहाड़ी, त्र्यंबक या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक से निकलती है। ठीक है दोस्तों त्र्यंबक से निकलती है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोयना, तुंगभद्रा, भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये सभी नदियां हैं वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, भीमा। ठीक है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40वां
कि इंडो बर्मा क्या है। इंडो बर्मा एक पुरानी झील है या पर्वत श्रेणी है या फिर प्लेट है या फिर पौराणिक नदी है। तो दोस्तों इंडो बर्मा क्या है, एक पौराणिक नदी है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन रट्टा मार लेते हो तो दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को करके आ जाओगे और आपका सिलेक्शन है वो भी पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 41वां क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, जो आपकी गोदावरी नदी है यानी जो आपकी गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ये गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक से निकलती है और ये महाराष्ट्र से तेलंगाना में बहती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी गोदावरी नदी तीन राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा कि शारदा और सरयू नदी का उद्गम स्थल है वो मिलाम हिमनद है। कौन सा हिमनद है? मिलाम हिमनद। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कुछ नदियाँ दी गई है, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और सांगर आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा याद रखिएगा, ये जो सभी नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 44वां, कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अब दोस्तों उड़ीसा का शोक है वो महानदी को कहा जाता है, तो उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाएगी? तो महानदी। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट आ रहा है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा के महीने हैं। तो दोस्तों वर्षा दोस्तों आपको बताइए कि श्रावण माह में क्या है, बरसती है, सावन के महीने में बरसती है, वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन तो ये कट हो गए, यहाँ पे क्या तो ए होगा या बी होगा। तो दोस्तों भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो वर्षा का महीना होता है वो सावन भादवा, ठीक है दोस्तों, सावन या भाद्र। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो वर्षा होती है वो श्रावण और भाद्र महीने में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि आगरा व दार्जिलिंग के एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद तापमान में अंतर का क्या कारण है। ऊंचाई की भिन्नता या फिर समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता या फिर समुद्र तट से दूरी में भिन्नता या फिर जल और स्थल के वितरण की भिन्नता। दोस्तों आगरा और दार्जिलिंग दोनों ही एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तापमान में अंतर पाया जाता है। दार्जिलिंग में तापमान कम पाया जाता है, आगरा में ज़्यादा पाया जाता है। इसका अंतर क्या है दोस्तों? समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता, यानी दार्जिलिंग है वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है जबकि आगरा है वो दार्जिलिंग की अपेक्षा समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो तापमान में अंतर का प्रमुख कारण है कि ये समुद्र तल से ऊंचाई में इन दोनों ही क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47वां, कि अल नीनो धारा किस माह में नजर आती है। अल नीनो धारा दोस्तों प्रशांत महासागर में आती है नजर, और ये किस माह में आती है? तो दोस्तों ये दिसंबर माह में आती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक से आए हुए हैं, यानी बुक से ही उठाए गए हैं, कि कोपेन के अनुसार खालिस्तान जलवायु शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की है। यानी दोस्तों एस ई बी एस एच डब्ल्यू या फिर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। यानी दोस्तों कोपेन ने जो भारत के जलवायु हैं उनको लगभग 8 प्रदेशों में बांटा है अलग अलग में। यहाँ पे पूछा गया है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कौन सी है। तो दोस्तों जो एएस है यानी एएस है वो कोपेन के अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49वां, यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की वार्षिक मात्रा में कमी होती है क्योंकि। तो दोस्तों क्योंकि का जवाब आता है वो आता है दोस्तों कि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। यानी गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की वार्षिक मात्रा में कमी होती है क्योंकि दोस्तों जो वायु है उसमें नमी की मात्रा है वो क्रमशः कम होती जाती है, जिस कारण गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की तरफ वार्षिक वर्षा में हमें कमी नजर आती है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षर अस को किस
जिसके लिए प्रयोग किया है, यानी किसके लिए प्रयोग किया है, मरुस्थल के प्रयोग किया है, अर्धमरुस्थल के लिए, या फिर शुष्क शीत ऋतु, या फिर वर्षावन के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, उपेन ने जो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर अस है उसको अर्धमरुस्थल के रूप में प्रयुक्त किया है, यानी अस अक्षर है वो अर्धमरुस्थल को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि 51वां, यहाँ पे 51वां क्वेश्चन आ रहा है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होता है, या फिर उत्तरी पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है, या फिर उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण वायुदाब विकसित होता है, निम्न वायुदाब विकसित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो उच्च वायुदाब विकसित होगा। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 52वां, यहाँ पे फिर से आ गया कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च में आती है, और दोस्तों लगभग अगर हिंदी महीने की बात करें तो चैत्र में काफ़ी सॉरी जो हमारा ज्येष्ठ महीना आता है, यानी ज्येष्ठ का महीना आता है, सॉरी ज्येष्ठ के महीने में हिंदी माह में, यानी क्या है, बहुत ही भयंकर कड़ाकेदार गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों ज्येष्ठ हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं वो ज्येष्ठ और आषाढ़ है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। एएस प्रकार की जलवायु दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एएस प्रकार की जलवायु जो अभी हमने ऊपर बात की थी, एएस जो जलवायु है वो दोस्तों पाई जाती है कोरोमंडल तट पर, यानी तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर, यानी यहाँ पे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और जो शीतकालीन वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है उस प्रकार की जलवायु एस प्रकार की जलवायु कहलाती है, और ये दोस्तों कोरोमंडल तट पर हमें देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक नोट आ रहा है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, यानी भारत का एक जो ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे डी एफ सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि कोपेन ने बताया है। कोपेन के अनुसार जलवायु भारत के जलवायु प्रदेशों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, उनमें से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कोपेन ने डीएफसी प्रकार की जलवायु बताई है, और डीएफसी जलवायु का मतलब होता है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आदर शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और डीएफसी का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 54वां, कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है। ठीक नहीं का मतलब गलत है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है दोस्तों, बिल्कुल ये दोस्तों दक्षिणी भारत यानी समुद्र के किनारे पर स्थित है, यहाँ पे दैनिक तापांतर कम होगा, यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंच रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, समुद्रों पे स्थित है, यहाँ पे बिल्कुल तापमान सारा वर्ष ऊंच रहता है, और यहाँ वार्षिक तापांतर कम रहता है, बिल्कुल ये भी कथन ठीक है। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, इसको पहचानिए दोस्तों, ये ऊपर वाले सारे कथन सही हैं, यहाँ पे दोस्तों इसको पहचानिए, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, यहाँ पे दोस्तों जलवायु विषम नहीं पाई जाती, बल्कि जो समुद्री तटीय भाग है, दक्षिण भारत सारा समुद्र तटीय भाग है, और यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु। तो ये कथन क्या ठीक नहीं है दक्षिण भारत के संदर्भ में, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में विषम जलवायु नहीं बल्कि सम जलवायु पाई जाती है। तो डी नंबर दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि काल बैसाखी का संबंध किन राज्यों से है, यानी काल बैसाखी का संबंध आपको बताना है दोस्तों कि असम उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से है, या फिर असम व पश्चिम बंगाल से है, या फिर पश्चिमी बंगाल व हिमाचल प्रदेश से है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से है। तो दोस्तों काल बैसाखी का संबंध है वो असम व पश्चिम बंगाल राज्यों से है, यानी दोस्तों यहाँ पे बैसाख के माह में बहुत ही भयंकर हवाएं वर्षा के साथ चलती है शाम को, उसे बोलते हैं काल बैसाखी, और ये चलती किन राज्यों से, किन राज्यों में है, तो असम व पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों काल बैसाखी हवा है उनको असम में दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है, बारदोली, बारदोली छिड़ा, बारदोली छिड़ा के नाम से जाना जाता है किसको, काल बैसाखी को, यानी जो काल बैसाखी हवाएं हैं, भयंकर हवाएं हैं जो वर्षा के साथ चलती है, उनको असम में बारदोली छिड़ा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों काल बैसाखी का संबंध है वो असम व पश्चिम बंगाल राज्यों से है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से
मानसून के निवर्तन के महीने हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों याद रखिएगा जो मानसून का परावर्तन या फिर मानसून ने का लौटने का काल या फिर हम कह सकते हैं मानसून के निवर्तन का काल के महीने हैं वो अक्टूबर और नवंबर है। ठीक दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी मानसून लौटता कब है? अक्टूबर और नवंबर में, और मानसून के लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? कोरोमंडल तट पे, या फिर हम कह सकते हैं तमिलनाडु पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि निम्न में से जिन राज्यों में अम्बर वर्षा होती है, यहाँ पे अम्बर वर्षा पूछा जा रहा है, केरल व तटीय कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु है कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र और गुजरात में, या फिर तमिलनाडु और केरल में। तो दोस्तों याद रखिएगा जो तटीय जो अमर वर्षा होती है वो केरल व तटीय कर्नाटक में होती है। आपको याद रखना है अमर वर्षा का संबंध केरल व कर्नाटक राज्यों से है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 58वां कि निम्न में से कौन से राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मानसून के लौटने का काल है उसी को हम बोलते हैं शीतकालीन मानसून, यानी ये अक्टूबर और नवंबर शीतकालीन माह में लौटता है और ये वर्षा करता है कोरोमंडल तट पे, और मुख्य रूप से राज्य की बात करें तो तमिलनाडु पे। तो यानी शीतकाल में वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा आपके सामने 59वां क्वेश्चन, और दोस्तों क्लास लंबी होती जा रही है और दोस्तों गला बैठता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको ये क्लास में कंप्लीट करवा के जाऊंगा। 59वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों मैंने आपको दो बार बता दिया है कि कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को आठ भागों में बांटा है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन आने शुरुआत हो चुके हैं वनस्पति से संबंधित, यानी भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि साइंडर, होलक और केल आदि वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, या फिर अल्पाइन वनस्पति क्षेत्र में, या फिर अर्ध सदाबहार वन में। तो दोस्तों याद रखिएगा साइंडर, होलक और केल हैं ये अर्ध सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, और अर्ध सदाबहार वन दोस्तों किनको कहते हैं? यानी अर्ध सदाबहार वन है वो सदाबहार वन वह जो आपका उष्णकटिबंधीय आद्र वन होता है, पर्णपाती वन होता है, उसका संक्रमण क्षेत्र होता है। एक बार फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी अर्ध सदाबहार वन है वो सदाबहार वन वह जो उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन है उनका संक्रमण क्षेत्र या उनके बीच का या मिश्रित क्षेत्र है वो कहलाता है अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र। और यहाँ पे दोस्तों मुख्य रूप से साइडर, होलक और केल आदि वृक्ष हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 61वां क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 70 सेंटीमीटर से कम, या फिर 100 सेंटीमीटर से कम, या फिर 25 सेंटीमीटर से कम, या फिर 50 सेंटीमीटर से कम। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो दोस्तों याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी दोस्तों गलत बता दिया मैंने आपको, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। सी नंबर नहीं ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों राइट होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों ही सी लिख रखे हैं ना, इस कारण कन्फ्यूज हो गया। यानी दोस्तों याद रखिएगा जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 65वां कि निम्न में से कौन सी संकटापन प्रजाति मनार की खाड़ी के जीवमंडल नीचे में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भौंकने वाला मृग, या समुद्री भालू, या फिर चीतल, या फिर समुद्री गाय। तो दोस्तों याद रखिएगा जो संकटापन प्रजाति जो कि मनार की खाड़ी के जीवमंडल नीचे में पाई जाती है वो है समुद्री गाय। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? हिमालय के गिरिपद में, उड़ीसा में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। तो दोस्तों याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय आद्र वन आपसे पूछा जा रहा है तो ये हिमालय के गिरिपद में बिल्कुल पाए जाते हैं, और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर नहीं पाए जाते क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों हमें पता चला कि जो उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती वन है वो हिमालय के गिरिपद
भाग में पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी पाए जाते हैं। लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष चलाया गया। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में चलाया गया था, और जबकि टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये चला था 1973 में। दोनों ही बातें दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है वो 1992 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आ रहा है कि नीलगिरी जीव मंडल नीचे की स्थापना किस वर्ष की गई। यानी दोस्तों ये प्रथम भारत का जीव मंडल नीचे है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो नीलगिरी जीव मंडल नीचे है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि किस जीव मंडल नीचे में सुनहरा बाज और काला बाज पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि किस जीव मंडल नीचे में सुनहरा बाज और काला बाज पाया जाता है। सुंदरवन जीव मंडल नीचे में, नंदा देवी जीव मंडल नीचे में, नीलगिरी जीव मंडल नीचे में, या फिर पन्ना जीव मंडल नीचे में। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुनहरा बाज और काला बाज है वो नंदा देवी जीव मंडल नीचे में पाया जाता है, और नंदा देवी जीव मंडल नीचे आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक दोस्तों, सुनहरा बाज और काला बाज का संबंध किस नीचे जीव मंडल नीचे से है, नंदा देवी जीव मंडल नीचे से, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वास्तविक वन आवरण कितना है। 12.41%, 22.45%, 21.67% या 44.98%। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपकी बुक से सीधा का सीधा उठाया गया है, और बुक में आपके लिखा गया है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वास्तविक वन आवरण 21.67% है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ रहे हैं अगला क्वेश्चन कि नोकरेक जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। नोकरेक मणिपुर में है, मेघालय में है, या फिर मिजोरम में है, या फिर नागालैंड में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका नोकरेक जीव मंडल नीचे है वो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत के 11 जीव मंडल नीचे ऐसे हैं जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कन्फ्यूजिंग वाला आ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव मंडल नीचे है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अभी दोस्तों हमने बात की थी कि जो भारत के कुल जीव मंडल नीचे 18 हैं, उनमें से 11 क्या मान्यता प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके जीव मंडल नीचे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको इन चारों में से ऐसा बताना है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अभी दोस्तों हमने बात की थी नोकरेक जीव मंडल नीचे की, ये दोस्तों बिल्कुल मेघालय में पड़ता है और ये दोस्तों बिल्कुल यूनेस्को की सूची में शामिल है, अभी हमने बात की थी। और सिमलीपाल जीवमंडल नीचे, ये दोस्तों आपका उड़ीसा में पड़ता है और ये भी आपका यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। कच्छ जीवमंडल नीचे जो कि गुजरात में पड़ता है, ये दोस्तों मान्यता प्राप्त नहीं है। नीलगिरी जीवमंडल नीचे जिसकी स्थापना 1986 में, और ये नीलगिरी जीवमंडल नीचे भारत का प्रथम जीवमंडल नीचे है, ये भी बात आपको याद रखनी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कच्छ जीवमंडल नीचे जो कि गुजरात में पड़ता है, ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये जो तीनों हैं दोस्तों, नोकरेक, सिमलीपाल और नीलगिरी, ये तीनों ही क्या है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे कौन सा है। यानी भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे कौन सा है, यह आपको बताना है। नीलगिरी जीव मंडल नीचे, नंदा देवी जीव मंडल नीचे, मनार की खाड़ी जीव मंडल नीचे, या फिर सुंदर वन जीव मंडल नीचे। तो दोस्तों जो आपका मनार की खाड़ी जीवमंडल नीचे है, ये आपका सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो डिब्रू साइकोवा, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिब्रू साइकोवा जो कि असम में पड़ता है, ये जीवमंडल नीचे है, सबसे छोटा जीवमंडल नीचे है। जबकि मनार की खाड़ी वाला जीवमंडल नीचे 1,05,000 हेक्टर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है। कौन सा, मनार की खाड़ी वाला, और सबसे छोटा है वो डिब्रू साइकोवा जो कि असम में पड़ता है, ये सबसे छोटा जीवमंडल नीचे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा
यहाँ पे आ रहा है कि मनार की खाड़ी जीवमंडल नीचे, जो कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है, अभी ऊपर हम बात पढ़ के आए थे, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका मनार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे, जो कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है, ये 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हेक्टर की बात करें तो ये 1,05,000 हेक्टर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 73वां, कि जो रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है, लवण मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा या काली मृदा। तो दोस्तों रेगर मृदा का दूसरा नाम है वो काली मृदा है। ठीक है दोस्तों, यानी काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों जो नदी निर्मित जो मृदा है वही क्या है, सर्वाधिक व्यापक होगी और सर्वाधिक उपजाऊ भी होगी। तो दोस्तों जो नदी निर्मित जो मृदा है वो होती है जलोढ़ मृदा, और इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, जलोढ़ मृदा, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है, कि भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1951 में, 1956 में, 1958 में, 1976 में। तो दोस्तों भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो 1956 में की गई थी। बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता जलोढ़ मृदाओं से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से चार विशेषताओं में से एक ऐसी विशेषता है जो जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पहली विशेषता हम पढ़ते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके होना, यानी जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आ रहा है कि नदियों और श्रीताओं के वाहित तथा निक्षेपण से निर्मित होना। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जलोढ़ मृदा है वो नदियों के निक्षेपण से निर्मित क्या उपजाऊ मृदा होती है, ये भी कथन ठीक है। तीसरा कथन दोस्तों देखिएगा, रंग हल्के धूसर से राख धूसर होना, यानी इसका रंग है वो हल्का धूसर भी हो सकता है और राख धूसर भी हो सकता है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अब दोस्तों आ रहा है हमारा डी नंबर, ये ऑटोमेटिक ही क्या है, गलत हो जाएगा। नमी का धीमे तरीके से अवशोषण, ये दोस्तों नमी का धीमे तरीके से अवशोषण किसकी विशेषता है, ये काली मृदा की विशेषता है, न कि जलोढ़ मृदा की विशेषता है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था जलोढ़ मृदा से संबंधित विशेषता नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये विशेषता है वो काली मृदा की विशेषता है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी नमी का धीमे तरीके से अवशोषण करना काली मृदा की विशेषता है, न कि जलोढ़ मृदा की, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कि निम्न में से किस संस्तर की रचना ढीली सामग्री से होती है, यानी दोस्तों आप देखते हैं कि मृदा की सबसे ऊपरी परत, उसके बाद में मृदा की निचली परत, यानी धरातल में ऐसी परत होती है जिसको हम दोस्तों प्रत्येक जो मृदा की परत है उसको संस्तर बोलते हैं। यानी आपको बताना है कि निम्न में से किस संस्तर की रचना है वो ढीली जनक सामग्री से हुई है, कह संस्तर की, खह संस्तर की, गह संस्तर की। तो दोस्तों जो ऊपरी परत है वो है गय, उसके बाद में आती है खय और तीसरी आती है खय। तो यहाँ पे दोस्तों जो गय है, ये दोस्तों याद रखिएगा, ये क और गय के बीच संक्रमण संस्तर है या संक्रमण संस्तर मृदा परत है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें जो ढीली जनक सामग्री से बनी हुई है वो है दोस्तों गय संस्तर, कौन सी है, गय संस्तर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, कि खादर और बांगर नामक दो मृदाएं किस वर्ग से संबंधित है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं जो नदियों की प्रतिवर्ष जो मृदा आती है, प्रतिवर्ष बाढ़ के मैदानों में जो नदियों द्वारा मृदा निक्षेपित की जाती है वो तो खादर होती है, और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको हम बांगर बोलते हैं। इसका मतलब ये जलोढ़ मृदा से संबंधित है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी नई जलोढ़ है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों ही जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आती है, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है, शुष्क मृदा को, लवण मृदा को, पीटमय मृदा को, लेटेराइट मृदा को। तो दोस्तों जो ऊसर मृदा है वो लवण मृदा को ऊसर मृदा को नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जो लवण मृदा है आपको, यानी जो सॉरी जो आपकी लवण मृदा है उसको ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कि ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों
जो आईसीआर ने मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसके अनुसार दोस्तों जो इनसेप्टिसोल मृदा है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। लगभग दोस्तों 40% भाग को ये घेरे हुए हैं भारत के, यानी भारत की कुल जो मृदा का क्षेत्रफल है उसमें से 40% क्षेत्रफल है वो इनसेप्टिसोल का है और ये भारत में सर्वाधिक प्रकार की मृदा है इनसेप्टिसोल्स। ए नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि लेटराइट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। दोस्तों याद रखिएगा लेटराइट शब्द लेटर जो ग्रीक भाषा का लेटर शब्द है उससे बना हुआ है। ग्रीक भाषा को दोस्तों लैटिन भाषा के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीक के जगह लैटिन भी आपको लिखा हुआ मिले तो ये भी सही होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी लेटराइट जो शब्द है वो ग्रीक या लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विशेषता काली मृदा से संबंधित नहीं है। ऊपर तो हमने एक प्रश्न देखा था उसमें पूछा गया था कि कौन सी जो विशेषता है वो जलोढ़ मृदा से संबंधित नहीं है और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि काली मृदा से संबंधित नहीं है। पहला देखिए मरण में गहरी अपारगम्य होना, बिल्कुल दोस्तों ये विशेषता काली मृदा की है। गीले होने पर फूल कर चिपचिपा हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सीमर सूखने पर सिकुड़ जाती है, यानी जैसे ही ये काली मृदा सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और ये सिकुड़ जाती है, ये भी सही है। अगर हम बात करें चौथे की उच्च तापमान में भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होना, ये दोस्तों उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं बल्कि निम्न या शुष्क उचित जो शुष्क तापमान वाले क्षेत्रों में ये हमें विकसित होती है, यानी ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित नहीं होती है काली मृदा, तो ये विशेषता काली मृदा की नहीं है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 83वां क्वेश्चन आ रहे हैं कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण निम्न में से किस देश के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के कृषि विभाग, यूएसए के कृषि विभाग, या जर्मनी के कृषि विभाग, या फिर हमारा कनाडा के कृषि विभाग। तो दोस्तों याद रखिएगा जो भारत में जो मृदाओं का वर्गीकरण है वो यूएसए के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि मृदा के किस नदी द्रोणी में भीहड़ की संख्या अधिक मिलती है। भीहड़ के लिए दोस्तों हमारी जो चंबल नदी है वो प्रसिद्ध है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सीधा सीधा याद रखिएगा भारत में किस नदी द्रोणी में भीहड़ की संख्या अधिक मिलती है, तो चंबल नदी में, यानी चंबल नदी द्रोणी में सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने जिस नदी घाटी को अपने सर्वेक्षण के लिए चुना हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और हमने पहले दोस्तों बात की थी कि जो भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो दोस्तों इसने मृदा सर्वेक्षण के लिए किस नदी घाटी को चुना, नर्मदा नदी की घाटी को, गंगा नदी घाटी को, कावेरी नदी घाटी को, या फिर दामोदर नदी घाटी को। तो दोस्तों जो भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी उसने दामोदर नदी घाटी को अपने सर्वेक्षण के लिए चुना था। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है वो आपकी लेटराइट मृदा है और लेटराइट जो शब्द है वो ग्रीक या लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। अब दोस्तों आप सीधा इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप सीधा ऑप्शन में ठोकेंगे बिहार, यानी भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो भारत का असम राज्य है उसमें सबसे अधिक बाढ़ आती है और उसके बाद में आती है पश्चिम बंगाल में और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, यहाँ पे बाढ़ अधिक पूछी गई है तो असम में आती है। सी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। अब दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जलीय, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाएं, भौमिक प्राकृतिक आपदाएं, जैविक प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों जो बर्फीला जो तूफान है, अब आप सोचोगे कि ये जलीय प्राकृतिक आपदा है, ये दोस्तों जलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। जलीय प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक आपदा है उसके अंतर्गत आता है
बाढ़, ठीक है दोस्तों, यानी बाढ़ वगैरह ये आता है, सूखा आ गया, ये जलिए क्या प्राकृतिक आपदा है, ठीक है दोस्तों। भूमि की बात करें तो भूमि के अंतर्गत दोस्तों जैसे भूकंप हो गया, आपका ज्वालामुखी हो गया, आपका भूस्खलन हो गया, ये सारी आती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हमारा याद रखना है कि बर्फानी तूफान है वो वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों तड़ित झंझा है, ठीक है दोस्तों, ये सारे टोर्नेडो वगैरह है, ये वायुमंडलीय क्या है, प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, 2005 में, 1998 में, 2007 में, 1995 में। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना, सॉरी दोस्तों, जो आपकी राष्ट्रीय प्राकृतिक सॉरी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी देर से, पिछले लगभग एक घंटे से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस कारण थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो विक्रम नगर नई दिल्ली में स्थित है, और इसका आदर्श वाक्य है वो लचीला भारत आपदा मुक्त भारत है, इतनी बात याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं कि इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि सर्दी में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा है, वो कोरोमंडल तट पे होती है, और अगर हम बात करें राज्य विशेष की तो राज्य विशेष में जो शीतकालीन वर्षा है वो तमिलनाडु में होती है। तो इसका मतलब सर्दियों में के महीनों में बाढ़ आएगी वो तमिलनाडु में आएगी, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमने बात की थी अभी ऊपर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, अभी बात कर चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया था का इसका मुख्यालय है वो विक्रम नगर नई दिल्ली में है, और इसका आदर्श वाक्य है वो लचीला भारत आपदा मुक्त भारत है, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ा खांसी और की है, इस कारण खांसी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था स्थापना 1995, ये कहाँ पे स्थित है, विक्रम नगर नई दिल्ली, और आदर्श वाक्य इसका याद रखिएगा लचीला भारत आपदा मुक्त भारत, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अभी तो दोस्तों 10 ही क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल और महासागरीय जल में अचानक विस्थापन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है जल तरंगे, दरारें, सुनामी या भूस्खलन। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल और महासागरीय जल में अचानक विस्थापन, अब दोस्तों महासागरीय जल में जब भूकंप आएगा या ज्वालामुखी आएगा तो दोस्तों क्या बनेगा, क्या उठेगा, सुनामी उठेगा, क्या उठेगा, सुनामी। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो दोस्तों जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो आपका 2005 में लागू किया गया था, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड फ्लू किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों वर्ल्ड फ्लू एक प्रकार से जैविक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, ठीक है दोस्तों, यानी किस प्रकार की आपदा है, ये एक जैविक प्रकार की आपदा है। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 60 डिग्री उत्तर व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, या फिर 20 डिग्री उत्तर व 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन अक्षांशों के मध्य देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर पूछा गया है कि चेर्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना का संबंध किस देश से है, रूस से, यूक्रेन से, यूएसए से, इटली से। तो दोस्तों जो चेर्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना है वो किस देश में घटी थी, यूक्रेन में, ठीक है दोस्तों। तो इसका संबंध किस देश से, यूक्रेन से, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये दोस्तों घटना है वो कब घटी थी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ आ रहा है कि ये घटना है वो 26 अप्रैल 1986 में घटित हुई थी, और ये स्थान था दोस्तों यूक्रेन का प्रीपियत, यूक्रेन यानी प्रीपियत नामक स्थान था यूक्रेन का, जहाँ पे चेर्नोबिल नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है
कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात किन महीनों में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जो ज़्यादातर चक्रवात हैं वो अक्टूबर और नवंबर माह में आते हैं। किस माह में आते हैं? अक्टूबर और नवंबर माह में। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे कह देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक से बनाए गए हैं। अगर दोस्तों आप इन 100 क्वेश्चनों को आप रट्टा मार लेते हो तो दोस्तों 10 प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे कैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूसंकलन आपदा घटित हुई थी? चमोली में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या फिर बागेश्वर में? तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का, उसमें मालपा भूसंकलन आपदा घटित हुई थी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है आपके बुक में, ये क्वेश्चन है कि जो आपका मालपा भूसंकलन आपदा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में घटित हुई थी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आ रहे हैं नंदा देवी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जो आपका नंदा देवी जीव मंडल नीचे है वो उत्तराखंड राज्य में क्या है स्थित है, और ये उत्तराखंड के 4 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। यानी अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली राज्यों में ये फैला हुआ है। और दोस्तों नंदा देवी छोटी है, उसकी ऊंचाई भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है 7816 मीटर है। नंदा देवी जो छोटी है आपकी, उसके पास ये नंदा देवी जीवमंडल नीचे स्थित है और ये 4 जिलों में है, उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। और दोस्तों यहाँ पे जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट्टा मार लीजिएगा। यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है, काला भालू पाया जाता है, भूरा भालू पाया जाता है, सुनहरा बाज पाया जाता है, काला बाज पाया जाता है। ये सारे जो वन्य जीव हैं वो नंदा देवी जीव मंडल नीचे में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 98। अभी दोस्तों 2 ही क्वेश्चन हमारे, यानी 3 ही क्वेश्चन रहे हैं। 98 क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि निम्न में से किस वर्ष को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो 1999 और 2000 है उसको राष्ट्र जो आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि मई 1924 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों ये 23 मई से लेकर 27 मई 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, ये किस कहाँ की गई थी? रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में, याकोहामा में या फिर ये नई दिल्ली में? तो दोस्तों याद रखिएगा जो 23 मई से लेकर 27 मई तक 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर जो विश्व कॉन्फ्रेंस है वो जापान के याकोहामा नगर में आयोजित की गई थी। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष हुई? 1984 में, 1990 में और 1982 में, 1994 में? तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना है वो आपकी हुई थी 1984 में। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी घटना भोपाल एमपी में हुई थी, मध्य प्रदेश में, ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसे एम आई सी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइट, इस गैस का रिसाव के कारण ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और ये घटना कब हुई थी? 1984 में, 3 दिसंबर 1984 को। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों थी आज की हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये दोस्तों आप अपना जो प्रयोगशाला सहायक एग्जाम है उसके लिए ये अंतिम प्रहारी आप मान लीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों जल्दी आपको ह्यूमन जियोग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।